नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले हमारी टीम हर एक ज़िले में जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी, और हम पहुंच चुके हैं महोबा जिले के चांदो गांव में। इस गांव में लोगों से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या उम्मीद है और क्या विश्वास है जो आने वाली सरकार होगी या जो भी पार्टी को वो वोट करेंगे उनसे क्या उम्मीदें होंगी और उनके क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? पूरन। ये बताइए, आपके गांव और आपके क्षेत्र में कुछ विकास का काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सब मिटाने वाले आए। कहीं पानी आना चाहिए यहाँ से नहर का। हमारे यहाँ जो नहर आना है वो आना चाहिए। अच्छा, बस कौन सी नहर है? कोलवर डैम से। अच्छा, आपके गांव में पानी आना चाहिए। पानी के पीने की समस्या आपके गांव में? नहीं, पानी के पीने की नहीं, सिंचाई के लिए। सिंचाई की समस्या? हाँ। अच्छा, सिंचाई के लिए चाहिए पानी। पानी की भी समस्या। आप खेती किसानी करते हैं इतने सालों से, और मुझे लग रहा है 70 साल से आपकी ज़्यादा की उम्र हो चुकी है। क्या आप, एक बात की गई कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, ऐसा लगा कि आपके इनकम में कुछ वृद्धि हुई है, कुछ कमाई बढ़ी है आपकी खेती किसानी से? भाई, हम जो है 20 साल के पहले के रिकॉर्ड हो वो हम बता सकते लिखा करके। अच्छा। अब अंत का आज के वर्तमान में हम क्या बताएंगे? जो 20 साल जो है मान लो कितनी पैदावारी होती, वो आज के वर्तमान में कितनी हो रही, हम रिकॉर्ड उठा करके दिखा सकते हैं। हमारे सिंचाई विभाग में चली जाइए आप, ऐसे कोई ना बताएगा। ऐसे झूठ फूट को बताओ तो चावल जरूर कर देंगे। आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है? कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। क्या बदला हमारे गाँव में, क्या बदला? जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि भाई किसानों का जीवन बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, आपका बदला? हमारा कुछ नहीं बदला, नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। किससे उम्मीद है, विश्वास किस में है? है? किससे उम्मीद है? अरे सब गुंडा है, काहे के लिए पढ़ा रहे हो यार, काहे के लिए पढ़ा रहे हो? नून बुट को बतकाओ चाहे नून करा लो, आप करेंगे नहीं? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। मतलब इनका कहना है भाई कोई कुछ नहीं करेगा। चलिए, युवा भी हमारे साथ है भाई, क्या नाम है आपका? मान सिंह। क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? सब यही सूखा पड़ा हुआ, किसी की खेती नहीं हुई है। शिक्षा वगैरह की व्यवस्था है आपके आसपास, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक कहीं व्यवस्था, स्कूल कॉलेज? कोई व्यवस्था नहीं, खाली अब बात करते हैं, जो टीचर आते हैं वो बैठे बैठे बात कर दे, बच्चे ना हम फिरते रहते, कोई स्कूल ही नहीं ढंग से खुल रहा है। हाँ, वैसे कोविड में तो स्कूल प्रभावित हुआ है। रोजगार आप लोगों के लिए मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं रोजगार आपके लिए। चलिए भाई, अब युवाओं के लिए रोजगार भी अगर मुद्दा नहीं है तो उसमें क्या किया जा सकता है? आप अपना नाम बताइएगा और क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं आपके? सर, मेरा नाम हरवंश है। अच्छा। यहाँ क्षेत्र में सब ऐसे ही पड़ा है, सब कुछ नहीं है, विकास है का सभी, प्रधान वगैरह से कुछ नहीं मिल रहा लाभ। अब युवा सब ऐसे ही फिर रहे, ना हम बैठ रहे हैं, पहले उड़ा उड़ा कहीं कुछ विज्ञान में बिजी रहते हैं, कुछ नहीं है काम की व्यवस्था। जी, लॉकडाउन जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद ऐसा लगा कि लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद काफ़ी हद तक बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसके पहले क्या कहीं आप बाहर काम करते थे या हमेशा से आप गांव में रहे हैं? हम तो सर गांव में ही रहे हैं। अच्छा, खेती किसानी, खेती किसानी करते हैं। कितना बीघा खेती है आपके यहाँ? 10-12 बीघा है। अच्छा, पैदावार ठीक ठाक होती है? बढ़िया पैदावार होती है, करते हैं तो होती है, करते हैं तो होती है। तो जो सरकार की तमाम योजनाएँ हैं किसानों के लिए, उन योजनाओं का क्या लाभ मिलता है आपको? लाभ अभी कुछ नहीं मिल रहा सर। अच्छा, ये जो 2000 रुपये, कुछ नहीं आ रहा मेरे खाते में, कुछ नहीं आ रहा है सर। पैसे आपके खाते में नहीं आते? कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब ये कहना है आपका कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का जो लाभ है वो आपके खाते में भी नहीं आ रहा है। चलिए, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। नाम बताइएगा और आपके क्या मुद्दे होंगे जब चुनाव आएंगे। जी, मेरा नाम है धर्म प्रकाश चतुर्वेदी, मेरी जन्म तिथि है 1967। मेरी तकलीफ तो है जो कोई दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे भगवान ने ये ऐसा भेजा है। एक अखिलेश जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे, जिनने मुझे जो पेंशन 1500 रुपया दी थी। अविवाहित हूँ, अल्प भूमिहीन हूँ, जो कि आज तक है जो अपनी योगी जी की सरकार है, कहते स्वच्छ रहो, स्वच्छ भारत बनाओ, लेकिन मुझे आज तक लैटरिन एक टैंक नहीं मिला है। संसारी को जो मकान मिले हैं, मुझे एक भी मकान नहीं मिला है। मैं अपने भतीजों के जो साथ में रहता हूँ, जिस दिन बहुएँ आ जाएंगे उस दिन मुझे निकाल देंगी, फिर रोड पे आ जाऊंगा। इस सरकार का जो मैं कौन सी बड़ाई करूं? हाँ, सरकार ने 2000 रुपया जरूर करके मेरे खाते में दिए हैं। अब ये नहीं कह सकता हूँ कि वो पेंशन आई है या वो किसान की समिति के द्वारा आया है। और इस सरकार से जो हमको घाटा ही हुआ है,
फायदा नहीं हुआ है। क्यों फायदा नहीं हुआ है? हमारे यहाँ पानी का कोई साधन है नहीं है, कोई पानी की टंकी है नहीं है। अगर ये टंकी चली गई, लाइट चली गई, तो पूरा गांव प्यासा बैठा रहता है। एकमात्र समरसेबल लगा हुआ है, जिसको कहते हैं बड़े कुआ, और जो यहाँ पे समरसेबल लगा हुआ है, राठ रोड पर लगा हुआ है। दो हैडपम्प समरसेबल से पूरे गाँव का विस्तार हो रहा है। ये है सरकार का काम। अगर ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, पानी के लिए हमेशा किल्लत रहती है, यहाँ जमीन में कितने नीचे पानी है, क्या कितने फीट पे? अब तो इसके जो वाटर लेवल 40 फुट 80 फुट 60 फुट नीचे चला गया वाटर लेवल, बिल्कुल नहीं है। कोई तालाब नहीं है, कोई नहर नहीं है, कोई अरे ये नहीं सीधा साधन, कोई कोई ट्यूबवेल लगा हो कि सरकार ने बड़ा ट्यूबवेल लगा दिया, चलो उससे भरण पोषण हो रहा। ककरीली जमीन है, पथरीली जमीन, सुबह पानी दो संजा के सूख जाता है। पूरे हमारे किसान गरीब हैं यहाँ के, कोई ऐसा नहीं है हिस्ट पुष्ट की जो कि अपना खा सके। साल भर के लिए किसी के पास गल्ला नहीं है कि साल भर भोजन कर सके, तो नहीं है साहब यहाँ व्यवस्था। बाजार से लेना पड़ेगा, मजदूरी है, नरेगा में 202 रुपया देते, कोई मजदूरी के लिए नहीं जाता, क्योंकि दिन भर मजदूरी करेगा। 202 रुपया में बताइए सब्जी लेगा कि अपने बच्चों को देगा कि उनको चॉकलेट लेवाएगा, क्या लेवाएगा? इसलिए कोई नरेगा में काम नहीं जाता है। बेहतर कौन है? वैसे सरकार अखिलेश की सही थी, हाँ, गरीब लोगों को उसमें जो पेंशन मिलती थी उससे अपना भरण पोषण कर लेती थी, और इस सरकार में तो चपटो ही चपटो है। चाहे जहाँ देखो, इनने पहले नोटबंदी की, फिर इसके बाद नोटबंदी से फिर जिया तुम्हारा रोग रोग फैला दो पूरे हिंदुस्तान में, हैं इसमें जनता मरी, इसमें तो जनता का सर्वनाश हुआ है। जहाँ देखे आप, ये कितनी जनता मरी है, क्या प्रधानमंत्री जी ने नहीं देखी, कि योगी सरकार ने नहीं देखी? जब हम लोग टीवी में देख करके जो देख सकते हैं कि इतने बच्चे हैं जो पैदल चलते मर गए, इतने पानी से प्यासन मर गए, तो सरकार ने क्या साधन किया था? सब गरीबों के ऊपर सब, मतलब बेसिकली मरना गरीब को है, और जिंदा है जो तो बहुत कम रहना गरीब को, पैसे वाले जिंदा रहेंगे और गरीब है जो मरेगा बस। मतलब आपका कहना है जो दावे किए जा रहे हैं कि भाई गरीबों के लिए बड़ा काम हुआ है, आपके हिसाब से वो दावे फेल हैं जी? कोई गरीब को चांदो के अंदर मेरे गांव में कह दे 700 वोटेंगे कि किसी गरीब को कोई रोजगार मिला हो इस सरकार से, तो मैं दावा करता हूँ मैं टांग तर भी निकल जाऊंगा। कोई उसको नौकरी मिल गई हो सरकार के जो इस जमाने में, सब बेरोजगार। होमगार्ड की नौकरी दे तो कोई चपरासीगिरी की नौकरी बता दे, उस गांव में है जो 700 वोटिंग है, तो मैं उसकी ताकतर भी निकल जाऊंगी, यहाँ भाई इसको नौकरी मिल गई, कुछ है ही नहीं है। मतलब आपका कहना है कि आपके क्षेत्र में बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, और जो दावे किए जा रहे हैं कि सब खुशहाल है, ऐसा कुछ नहीं, कोई खुशहाल नहीं है, कोई खुशहाल, सब झूठी मूठी सरकार की वादा है कि सबका साथ सबका विकास, ये सबका जो नाश है। हाँ जी, सबका साथ नहीं है, सबका नाश है जी। हाँ, चलिए आप तो नारे को ही बदल दिए, और लोगों से भी जानते हैं भाई, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? मानिक चंद्र राजपूत। मानिक जी, क्या मुद्दे होंगे जब आप मतदान करने जाइएगा, किन मुद्दों पे वोट करिएगा? हमारा मुद्दा तो है बुंदेलखंड राज्य अलग हो। अच्छा, बुंदेलखंड राज्य अलग हो, और यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, जब तक बेरोजगार आदमी कुछ नहीं कर सकता यहाँ, जब तक फैक्ट्री नहीं होगी यहाँ से बुंदेलखंड से, हर प्रांत में कहीं भी आप देखिए बुंदेलखंड का आदमी ही होगा सबसे ज़्यादा, जो देश में देखो, तो यहाँ फैक्ट्री आ जाए तो कुछ हो सकता है। मतलब अगर यहाँ के लोकल फैक्ट्रियाँ आएंगी तो जाहिर सी बात है रोजगार बढ़ेगा, यानी बुंदेलखंड में एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है जी। डिफेंस कॉरिडोर के जरिए आपको लगा कि क्या नौकरी वगैरह का इजाफा होगा आने वाले टाइम? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो डिफेंस कॉरिडोर यानी एक अच्छा वो रहा है। अच्छा। मैं देखा, मैं पहली बार बुंदेलखंड आया हूँ, मैंने देखा कि नए नए हाईवे बन रहे हैं, नई रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं, तो क्या हाईवे और रेलवे लाइन इन सब चीज़ों को लेकर काम हो रहा है आपके? सब मशीनें काम कर रही साहब, गरीब कहाँ लग रहा होगा? मजदूर लोग तो कर ही नहीं पा रहे। अच्छा, बहुत समस्या है मजदूर, और मजदूरी है यहाँ 201 रुपये मनरेगा कि का होता हो, मैं पैसा का 8 दिन में आ, 15 दिन में आ, कहो एक एक महीना में आए नरेगा से। मतलब ये है कि नरेगा में भी अच्छा ये बताइए, टाइम से पैसा नहीं मिलता, टाइम से पैसा नहीं है, दूसरा के कमीशन वगैरह देना पड़ता है क्या? कमीशन तो नहीं किसी को देना पड़ती है, मगर टाइम से पैसा नहीं आता, वही अधिकारी लोग पैसा नहीं है खाते में, दिल्ली से नहीं आया पैसा, यही होता रहता है। चलिए, मतलब लाग लपेट वाला काम वो यूपी है तो ये तो होगा ही। हाँ, चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनके भी मुद्दे जानते हैं, क्या किन मुद्दों पे वो मतदान करेंगे, क्या उनके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं,
चलिए इनसे भी पूछते हैं भाई, क्या नाम है आपका? हरकिशन कुशवाहा। क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? चुनाव में जब 22 के विधानसभा चुनाव आएंगे, किन मुद्दों पे आप मतदान करेंगे? हम तो मोदी सरकार का जीता है। कि क्या ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को अगर आप बात कर रहे हैं जिताने के लिए मोदी की, तो क्या काम किया है? मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, और ये ऐसा भी है मोदी सरकार पे कि जो कुछ लोग ऐसे हैं ना किसान, ये उनको तो रुपया चाहिए, और नहीं सूखा हो गया, तीनता हो गया, करना कुछ नहीं चाहता है, लालची है किसान यहाँ का। अच्छा, किसान लालची है। और का अच्छा किसान लालची है। अच्छा चलिए, किसान लालची है, किसानों का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उसी पे ही है, वो भी है उनने अभी। हाँ, ये जानवर परेशान करते, इसकी कोई व्यवस्था नहीं करता, सब खा ले, पूरी खा ले। मोदी के राज में हटाओ वहाँ। हाँ भाई, मोदी के राज। चलिए और लोगों से किसान का ये तो बोल रहा है, अब क्या बोल रहे हैं? चलिए और लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। सबकी अपनी 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 भावनाएं हैं। युवा वर्ग के भी लोग बैठे हुए हैं भाई। क्या नाम है आपका? मान सिंह राजपूत। क्या करते हैं आप? खेती किसानी। क्यों, मतलब पढ़ाई कहाँ तक की है? हाई स्कूल। आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? नहीं, खेती किसानी में। खेती किसानी में मन लग रहा है, मतलब। चलिए अच्छी बात है। तो क्या खेती किसानी अच्छी चल रही है? बढ़िया चल रही। जो सरकार की योजनाएं हैं, लाभ मिल रहा है उसका? हाँ, मिल रहा। मिल रहा। कौन ठीक है? जमीन है ना उनके तो। कौन अच्छा का आपके नज़र में, अगर अखिलेश और योगी में कंपेयर किया जाए तो अच्छा कौन है? हमारी नज़र में योगी ही अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि इन्होंने किसानों को पेंशन दी। अच्छा। किसी भी सरकार ने पेंशन नहीं अभी तक किसानों को दी। और आपके क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे हैं? हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत पाई जाती। पानी की दिक्कत ज़्यादा, बस यानी उसको लेकर के काम होना चाहिए। पानी की एक बड़ी समस्या है गांव में जी। और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या किन आपको कौन बेहतर लगता है? मैं सर यही योगी लग रहे हैं। क्यों? हम तो योगी लग रहे हैं क्योंकि यहाँ सब्जी वब्जी की हमें दिक्कत दी, हम सब्जी करते हैं तो वहाँ दिक्कत रहती है अंदर मंडी में, तो इस सरकार में सुविधा मिली। अच्छा, मंडी की सुविधा। हाँ, मंडी की सुविधा। अच्छा, जो कहा है कि मुस्लिम समाज है वहाँ अंदर बेचने की दे रहे थे, हम बेचने को लेकर मिल रही। मतलब ऐसा कत पहले था कि मतलब उन लोगों का आतंक ज्यादा था? हाँ हाँ, सपा सरकार में था। सपा सरकार में जाते तो वहाँ में दिक्कत नहीं पड़ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव के और क्या मुद्दे हैं? क्योंकि गांव के ही जानवर परेशान का, तो पानी की दिक्कत है। अच्छा, पानी की बजरिए के जानवर आते हैं, वो छोड़ देते दूर दूर लगा के सुबह, और सब पूरा दिन परेशान करते, रात में ही परेशान करते। चलिए, मतलब गांव एक छोटा जानवरों का एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के कुछ समय पहले तमाम वादे भी किए गए थे। जब चुनाव होंगे, किन मुद्दों पर आप मतदान करिएगा? क्या मुद्दे होंगे आपके? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे में जैसे जो भी नेता है, आपको भी पता है, मुझे नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है, उनमें बेहतर कौन है? योगी है। क्यों बेहतर है? योजनाओं का लाभ देता है, सब कुछ मिलता है। जो लोग घर बैठे रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, ना कृषि विभाग जाते, ना प्रधानों से कहते उनको। हमको तो पंपंग सेट मिला, लैटरिंग मिली, सब मिला। आवास वगैरह? आवास नहीं मिला, आवास योग्य नहीं है। अभी आवास योग्य नहीं है? अच्छा, मतलब योजनाओं का लाभ आपको मिला? मिला है। जीवन बदली है? जीवन बिल्कुल बदली। पहले की जो सरकारें थी, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि जो योगी जी हैं उनके शासनकाल में आपको लाभ मिल रहा है, तो जब अखिलेश वगैरह थे तो क्या उस दौरान आपको लाभ नहीं मिलता? नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, केवल सूखा पड़ता था तो 2000-9000 की चेक मिलती थी बस। अच्छा, और कुछ नहीं मिला। योगी सरकार में सब कुछ मिला, जो घर बैठे रहते उनको कुछ नहीं मिलता। जो घर बैठे रहते बस, कागजात नहीं देते, ना कृषि विभाग जाते, ना पूछताछ करते किसी से, उनको नहीं मिलता। वे तो फिर केवल सूखे की राहत देखते रहते बस, उसी के इंतजार में रहते हैं, और जो जाते हैं उनको सब लाभ मिलता है। मतलब मिला, मतलब ऑफिसों को चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपका कहने का मतलब ये? हाँ, ये ऑफिस तो जाने पड़ेगा, कृषि विभाग जाने पड़ेगा, कर्मचारियों से पूछना पड़ेगा, वहाँ कौन कोई पाबंदी है कि कोई ना जाए। आपकी भी बात बड़ी मतलब गंभीर आपने बात कही कि आप जाइएगा, लाभ पाइएगा। क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में, मतलब विकास कार्य हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या क्या हुआ? सब सड़कें बिल्कुल नई बन गई, नई पटरियां बन रही, हर शासन व्यवस्था है, गौशाला भी दी गई हैं, लेकिन फिर भी अभी लावारिस जानवर फिर रहे, उनकी रोकथाम अच्छी तरह कराई जाए।
किसका दोष होता है जो जानवर घूम रहे हैं, इसमें दोष किसका है? इसमें कर्मचारियों का है, ऊपर से तो आता है, लेकिन प्रधान वगैरह और सचिव वचिव वगैरह जे नहीं करते हैं, सिक्योरिटी वगैरह जे नहीं। मतलब ऊपर से तो चीज़ें आ रही हैं, नीचे चीज़ें, मतलब नीचे भ्रष्टाचार है, सचिव और प्रधान और तमाम चीज़ें जो हैं उसकी वजह से इलावारिफ जानवर घूम रहे हैं। क्या लगता है आपको कौन बेहतर है? ये सरकार बेहतर है। बेहतर है क्यों? किसान के प्रति हर चीज देते हैं जी लोग, सब कुछ देते दे। योजनाओं का लाभ आपको मिला है? हाँ मिला। क्या क्या लाभ मिला? ये 2000 रुपए जे मिलते हैं, लेटरिन बाथरूम जो मिलो, आवास नहीं मिलो। अच्छा। और सरकारी लाभ जो मिला थे ये सब मिल। अच्छा एक बात बताइए, पहले ऐसा होता था जब सरकारी योजनाएं आती थी तो उसके लिए कहीं ना कहीं घूस देना पड़ता था लाभ के लिए भी, वो एक टाइम था, सबने देखा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी क्या घूस वगैरह देना पड़ता है? नहीं नहीं, कहीं नहीं लगी घूस। अच्छा। जो जो काम हुए हैं अभी तक कोई घूस नहीं दिया। मतलब यानी कहीं ना कहीं कहना आपका भ्रष्टाचार कम हुआ? जितने सरकारी काम भाई कौन हमें घूस नहीं लगी। अरे सरकारी काम में नहीं लगा कभी, लेटरिन के पैसे आई में कहा घूस लगी, जो जो कृषि विभाग से जितनी जो आई पाइप में कहा घूस लगा, सरकारी आमदनी जो मिलती है उसमें कोई घूस नहीं लगा। मतलब सरकारी योजनाओं में इनका कहना है घूस नहीं लग रहा है। तो चादो गांव के लोगों की आप लोगों ने प्रतिक्रिया सुनी। यहां का जो बड़ा मुद्दा है वो है पानी का है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि भाई उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कुछ लोगों का कहना है उन्हें अभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली कड़ी में कहीं और से जुड़ते हैं, वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।